आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम लोग मेले में घूमते हुए टाइम पास करते हुए दूसरों के पेंटिंग्स को देखते हुए पहुंचे इस मंदिर में। तो आइए देखते हैं इस मंदिर में क्या राज है, और चलिए आप लोगों को भी घुमाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और दबा के लाइक और कमेंट करना है, क्योंकि ये आपका भाई का चैनल है। और कमेंट करके बताना है मेरे से क्या क्या गलतियाँ होती है, ताकि अगले वीडियो में मैं सुधार लूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मैं दूँ। तो दोस्तों, श्री आदि शंकर विमान मंडपम के सामने पहुंच के 3 तल्ला ये मंदिर है। चलिए अंदर की ओर और दर्शन करवाते हैं आप लोगों को और घुमाते हैं। चलिए और दोस्तों, बारिश भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट चलते हैं अंदर की ओर। ये दोस्तों जो देख रहे हैं मंदिर, ये भोले बाबा का ये मंदिर है, जिसमें उनके जितने परिवार के सदस्य हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी उनको जानते हैं, पूरे उनके दुनिया जानती है। तो प्रेम से बोले जय भोलेनाथ। और चलिए अंदर की ओर, सुंदर मंदिर है दोस्तों, दर्शन करते हुए चलिए श्री पसमु स्वामी कोतकेरिया। चलिए, अलग अलग नाम है स्वामी जी के। चलिए श्री विष्णु दुर्गा। चलिए आप लोग दोस्तों पॉज करके पढ़ते रहिएगा। चलिए देखिए, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। देखिए श्री ब्रह्मा जी, जय हो जय हो। दर्शन कर लीजिए दोस्तों। एक मिनट, आप लोग कुछ दिखा नहीं, दिखा होगा, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ताला मार के रखा गया है भगवान जी को। अरे ताला कौन मारता है, हम लोग थोड़ी मूर्ति चुराने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए आप लोग यहाँ से दिखाते हैं थोड़ा कुंभ, उसके बाद दोस्तों ऊपर भी जाएंगे, वहां से भी आप लोग को दिखाएंगे। पर देखिए पूरा कुंभ, अबे कुछ दिखेगा तब तो देखेंगे। और महिमा अपरंपार, अपने आप घंटी हिल रहा है यार। एक मिनट, कहीं घंटी में भूत तो नहीं घुस गया? ना ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ का। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। एक मिनट, गेट में ताला मारना, घंटी का हिलना, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, भागो। पर आ गए दोस्तों सीढ़ियों से, यहाँ भी अनेकों मूर्तियां हैं। इधर का दरवाजा बंद कर दिया गया, अब ऊपर वाले फ्लोर का भी दरवाजा बंद होना, अब मेरा शक सच्चाई में बदलते हुए मुझे नजर आ रहा है और मुझे डर लग रहा है। हे भोलेनाथ, बचा लेना। दर्शन करते हुए चलिए, श्री अयप्पा जी का, श्री राम जी का, जय हो श्री बालाजी, जय हो तिरुपति महाराज की। पर आगे दोस्तों यहां से बताइए कुंभ का नजारा, देखिए कैसा लग रहा है पूरा कुंभ, पूरा मतलब माघ मेला, काफी भव्य तरीके से पूरा सजाया गया दोस्तों, और काफी मनमोहक लग रहा है ऐसा दृश्य दोस्तों, क्या ही बताओ। आप लोग यहां पर आएंगे तभी ये दोस्तों आप लोग फील कर पाएंगे, जरूर यहां पर आइए एक बार तीर्थराज प्रयाग में। आई होप मेरा आवाज पूरा आप लोगों तक क्लियर पहुंच रहा होगा, आइए और एक बार आइए जरूर और घूमिए जरूर। जय हो तो मैंने बोल दिया, पर फिर से डर लगने लगा। बालकनी में दूर दूर तक कोई नहीं था, बस सुनसान इलाका। थर्ड फ्लोर है, वो सेकंड फ्लोर था, ये थर्ड फ्लोर मतलब तीसरा मंजिला जहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। काफी बड़े बड़े कपाट हैं यहाँ पर। ये भाई लगा हुआ है भगवान को मनाने के लिए, सिंगल से मिंगल करा दो। और इनको देख मोबाइल पे लगी हुए हैं, पर हमें क्या मतलब, हम तो चले आगे। प्रकुम दिख रहा है उधर से, गजब कपाट का डिजाइन देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह का बनाया गया है, आप सॉलिड एकदम। प्रकुम देखिए उधर से, चलिए उधर चलते पहले, उधर से पार होने का रास्ता तो है नहीं, फिर भी कपाट बंद है। भी काफी भव्य नजारा है दोस्तों।
आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना लाखों की संख्या में दोस्तों यहाँ पर टेंट बनाए गए हैं। लाइट से अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों, अगर लाख नहीं होगा तो हजारों दोस्तों हजारों होगा यहाँ पर। और महाकुंभ में तो अनगिनत रहते हैं दोस्तों, इतना रहता है कि दोस्तों गिन के हम लोग खत्म नहीं कर सकते, इतना टेंट बनते हैं और इतना जबरदस्त मेला लगता है उस टाइम में। ये माघ मेला है, छोटा सा है पर काफी भव्य तरीके से इसको भी बनाया जा रहा है यहाँ पर और काफी सुंदर नजारा है यहाँ पर। देखिए भीड़ दर्शा रही है यहाँ पर, काफी भीड़ है यहाँ पर, मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। तीन मंजिला ये दोस्तों मंदिर है और काफी सुंदर भव्य मंदिर है और यहाँ से जब महाकुंभ लगता है इतना सुंदर भव्य दृश्य दिखता है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तभी फील कर सकते हैं दोस्तों, आइए एक बार आप लोग और कमेंट में लिखिए एक बार, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, शाम का समय है, कपाट अभी बंद किया गया है, पूजा अर्चना चल रही है अंदर, तो हम लोग चलिए नीचे की ओर चलते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों काफी सुंदर सुंदर मंदिर में आकृतियां है, देखिए श्री द्वारपाल किस तरह से पत्थर को एकदम डिजाइन करके बनाया गया, आकृतियां एकदम कलाकारी। और आप लोग एक चीज दिखाते हैं यहाँ पर, उधर आप लोग को दिख रहा हो दोस्तों गंगा पुल, ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है मेरे हाथ के सेंटर पे, ये वाला गंगा जी का पुल है ये वाला, और वो जो आप लोग देख रहे हैं वो गंगा जी वहाँ से बह रही है। और वो दोस्तों देखिए वहाँ भी दिख रहा होगा आप लोगों को क्रॉस होता हुआ एक रोड, और उधर दोस्तों एक संगम है जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती माता का मिलन होता है दोस्तों। काफ़ी भव्य नज़ारा है यहाँ का और काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ही भव्य नज़ारा। महाकुंभ होता है तब दोस्तों क्या ही आप लोग को बताओ, मैंने दोस्तों जब महाकुंभ हुआ था तब का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप था, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो मोबाइल टूट गया और सारा मतलब चला गया दोस्तों, डिलीट हो गया। दोस्तों कोई नहीं, फिर से हम इंतजार करेंगे, 100 साल में एक बार लग। रात हो चुकी है और काफी सुंदर नजारा यहाँ सज चुका है, कहीं मिकी माउस, कहीं तारा माछी और कहीं खाने के लिए अनेकों चीजें, और काफी बड़ा बड़ा मार्केट है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा मार्केट मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक महीना सुपर मेला हो गया और कुछ दिन मेला रहेगा, मतलब मान के चले ना 5 से 6 दिन मेला पूरा रहेगा। देखिए फूड स्टॉल वगैरह है, देखिए आप लोगों दोस्तों दिख रहा होगा दिल्ली का मीना बाजार, मतलब ऐसे बहुत सारे बाजार लगे हुए हैं जहां पर लेडीज का सामान ले सकते हैं, बच्चों के लिए है, बहुत सारा है दोस्तों उधर। तो दोस्तों ऑटो पे बैठे हुए सवारी ढूंढ रहे हैं, मेरा सवारी थोड़ा आगे चला गया है, उन लोग लेकर आते हैं और लेकर चलते हैं उन लोग को, लाल जी काला पांडा। ए पांडा को चबे चबो चबो हो गया गाड़ी व्यवस्था, चबो साइड में लगाइए, थोड़ा वहाँ साइड में लगाइए, ये लोग और भी है, मेरा सवारी मिल चुका है, सबको चढ़ाते हैं लेकर चलते हैं। अब दोस्तों जा रहे हैं अपने घर की ओर, मेला वगैरह घूम लिए, जल्दी ब्लॉग अपडेट हो जाएगा, बाकी अभी मजा बाकी है और धीरे धीरे और भी ब्लॉग आएगा और अपडेट होते रहेगा, सिर्फ आप लोग कंटिन्यूस चैनल पर बने रहेगा और सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर जगह है, आइए एक बार विजिट कीजिए आप लोग, बिना विजिट किए यहाँ का महसूस नहीं कर पाएंगे क्या जगह है ये और क्या भव्य यहाँ पर नज़ारा है। अरे अरे हॉर्न नहीं लगता भैया का, तो गाइस जैसे घूम के आए मेला से वैसे यहाँ पर भंडारा हमें दिख गया। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, हाँ मैंने भी रिकॉर्डिंग करते टाइम नोटिस नहीं किया था, बट जब मैं एडिटिंग करने बैठा तब मैंने देखा दोस्तों, मेरे पीछे एक अंकल थे, उनको देख के मैं सच में डर गया था यार, मजाक मुझे भारी पड़ गया, सच में तो मेरे पास भूत नहीं आ गया, मैं सही में एकदम भयंकर डर गया था यार। छोड़िए हटाइए, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो आपका भाई भंडारा कैसे छोड़ सकता है बताइए, पहले भंडारा उसके बाद कुछ, ये देखिए भंडारा चल रहा है यहाँ पर और बस हमारी उधर लगी हुई है भाई, उसका निकलेंगे कुछ ही देर में हम लोग, मतलब इतना समझ लीजिए 2 घंटा लग जाएगा भाई, और भंडारा का पहले आनंद लेते हैं। क्या क्या मिल रहा है, पूड़ी शायद बुंदिया है और सब्जी है, चले लेते हैं यार, और मस्ती से देखिए इतने लोग खा रहे हैं। आ पहुंच गया, हमारा लाइन आ गया,
हम लोग मस्त भंडारा वगैरह खा कर निकल गए अगले सफर पे। अब आप लोगों का काम है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूर है, भूल मत जाएगा, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।